हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत हम यहाँ पे करना चाहेंगे। हम प्रार्थना से शुरू करने जा रहे हैं। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम 15वें अध्याय का पठन प्रारंभ करने जा रहे हैं। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलं अधः शाखं अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवीत्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादीर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ
तत्तेजो विद्धिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहम् वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात् क्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे पुरुषोत्तम योग इस गीता के 15वें अध्याय की श्रृंखला में, और आज का हमारा 10वां दिवस है। हमने 6ठे श्लोक के ऊपर चर्चा की थी परसों के दिन। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता के इस 15वें अध्याय के पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार का अश्वत्थ वृक्ष के रूप में उदाहरण देके तुलना की है। तीसरे श्लोक में भगवान इसे असंग शस्त्र के द्वारा काटने का उपदेश देते हैं, और चौथे श्लोक में कहते हैं कि इसे काटने के पश्चात एक ऐसा पद ढूंढो जहां पे जाने के बाद व्यक्ति वापस नहीं लौट के आता है। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तो वहां पर इंगित किया, और फिर पांचवें श्लोक में भगवान बताते हैं कि वहां पर जाने के लिए क्या गुण एक व्यक्ति में होने चाहिए। निर्माण मोहा इस श्लोक से शुरू होने वाले पांचवें श्लोक की हमने चर्चा की थी, और उस धाम का लक्षण क्या है उसका वर्णन इस 6ठे श्लोक में भगवान ने किया था। हमने देखा था कि तद् धाम परमं मम, वह मेरा परम धाम है। न तत् सूर्यः भासयते, सूर्य प्रकाशित नहीं करता। शशांकः न भासयते, चंद्रमा भी नहीं प्रकाशित करता। पावकः न भासयते, अग्नि भी उसे प्रकाशित नहीं करता। और उसका विशेष गुण है यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम, जहां पर जाने के पश्चात व्यक्ति पुनः इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता है। तो इस प्रकार से इस 6ठे श्लोक में वो धाम कैसा होता है इसका वर्णन किया। लेकिन लोगों की असली पहचान, असली स्थान यदि श्री कृष्ण का परम धाम है तो इस भौतिक संसार में क्यों आते हैं, उसके लिए भगवान कृष्ण ने 7वें श्लोक में जवाब दिया था। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो कल हमने इस श्लोक के पहले दो पंक्तियों के ऊपर, दो पादों के ऊपर चर्चा की थी, और बचे हुए दो पादों के ऊपर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। उसके पहले, क्योंकि ये श्लोक कल भी हमने लिया था और आज भी ले रहे हैं, तो इसका भी पद विभाग और संधि हम लोग उच्चारण कर लेते हैं।
निकिता माता जी कोई है जिन्होंने हाथ ऊपर किया है बहुत पहले है, तो आप करना चाहेंगे उच्चारण? हरे कृष्णा, कृष्णा हीरे मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करेंगे अपने आप को? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, थोड़ा जोर से बोलना है, आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? हाँ आपका आ रहा है, मेरा आ रहा है। जोर से बोलना होगा थोड़ा आपको। हाँ प्रभु जी। हाँ तो देखो नियम यह होना चाहिए कि आपके पीछे बैकग्राउंड में आवाज नहीं आना चाहिए, मैंने दूसरे व्यक्ति को पहले वापस म्यूट कर दिया है। तो ये श्लोक है, अद्वरेखांकित शब्द जो है वो संधि दर्शाते हैं, बाद में इनका संधियुक्त शब्द बनता है। ममा 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 एव 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 अंशः 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 अंशः, दोनों का एकत्रित शब्द बनता है ममैवांशो ममैवांशो। जीवलोके 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 जीवभूतः 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 सनातनः 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 मनः 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 षष्ठानि 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 इन्द्रियाणि 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 इन्द्रियाणि, दोनों शब्द एकत्रित आके बनेंगे षष्ठानि इन्द्रियाणि षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि 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 कर्षति 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 कर्षति। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये हमने देखा था और अभी हम देख रहे हैं इसका अन्वय। तो कल हमने क्या देखा था उसकी थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। मम एव अंशः, तो यहाँ पे अंश शब्द का प्रयोग भगवान करते हैं। तो हमने देखा था कि अंश दो प्रकार के होते हैं भगवान के, एक है स्वांश यानी उनके अवतार और दूसरा होता है विभिन्न अंश यानी जीवात्माएं हम सब। और भगवान का प्रेम इतना है जीवात्माओं के प्रति, भगवान कह रहे हैं मम एव अंशः, ये जीवात्मा मेरा ही अंश है। और हमने इससे आगे भी देखा था कि किस प्रकार से जो अंश होता है उसका कार्य होता है अंशी की सेवा करना, अंश का कार्य होता है पूर्ण की सेवा करना जिसका वो अंश है। और हमने उदाहरण दिया था आपको याद होगा उंगलियों का, तो उंगलियां हमारे शरीर के अंश है और हमारा शरीर या हमारा हाथ जो है वो अंशी यानी पूर्ण रूप में है और ये उंगलियां उसके अंश है। तो उंगलियों को आप कितना भी प्रसाद देंगे कि कुछ भी रसगुल्ला गुलाब जाम उंगलियों में रखेंगे और उंगलियां दबाएगी तो उंगलियों को आनंद और संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो उसे हमें खाना होगा, शरीर में देना होगा, पेट की सेवा करनी होगी, तब जाके हाथ को भी उंगलियों को भी आनंद मिलेगा, तुष्टि मिलेगी। तो इस प्रकार से ये जीवात्मा भगवान का ही अंश है और किसी का अंश नहीं है, न किसी देवता का अंश है, न इस प्रकृति का अंश है, ये केवल भगवान का अंश है और इसका कर्तव्य बनता है उन्हीं भगवान की सेवा करना। तो उसे कहाँ पे आया है अभी ये अंश? जीवलोके, ये अभी इस जीवलोक में आया है। तो हमने देखा था एक है कृष्णलोक भगवान का धाम और दूसरा होता है जीवलोक यानी ये भौतिक संसार, और उसमें देखा था पूरे 14 भुवन ये जीवलोक में उनकी गणना होती है। जीवभूतः, जीवभूतः हमने देखा था कि किस प्रकार से ये जीव जीवात्मा बन जाता है और बन के संसार में रहता है।
जैसे हमने देखा था कि अमिताभ बच्चन जिस प्रकार से अलग अलग मूवी में अलग अलग किरदार निभाते हैं, उसी प्रकार से ये जीव अन्योन्य योनियों में अन्योन्य ग्रहलोकों पर ये घूमता रहता है। और हमने देखा था कि भगवान यहाँ पर पुल्लिंग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहे थे, आपको यदि याद होगा, जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। तो उसमें जीव भूता कहा था इस प्रकृति को, तो भगवान की दो शक्तियां हमने देखी थी, एक अपरा प्रकृति जो पंच महाभूतों से बनी हुई है, और एक है परा प्रकृति, यानी जो जीवात्माएं वो परा प्रकृति में आते हैं, तो वो स्त्रीलिंगी है वास्तव में, उनका आद्य कर्तव्य भगवान जो एकमात्र पुरुष है उनकी सेवा करना, लेकिन ये जीव यहाँ पर भोक्ता बनने की इच्छा से आता है, इसलिए उसे पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग भगवान करते हैं। और सनातन शब्द हमने देखा था, सनातन शब्द के दो अर्थ देखे थे, एक है भगवान ऐसे जीव का कभी भी जो है वो त्याग नहीं करते, एक ये अर्थ था। और दूसरा अर्थ हमने सनातन शब्द का देखा था कि किस प्रकार से जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व वो सनातन काल से विभिन्न भगवान से था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो जो लोग कहते हैं कि मुक्ति पाने के बाद हम लोग भगवान में विलीन हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे सनातन शब्द से इस बात का खंडन किया गया है। तो यहाँ तक हमने चर्चा की थी, और अभी वास्तव में मम एव अंश को भी और थोड़ा समझने के लिए एक बात बाकी रह गई थी, लेकिन वो बात तभी बताई जा सकती है जब इस पंक्ति के जो आखिरी पद है उनके बारे में पहले चर्चा की जाए। तो मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो यहाँ पर हम सब जानते हैं कि जो भी वाक्य बनाया जाता है किसी भी भाषा में वो क्यों न हो, उसमें तीन चीजें होती है। मैं केवल थोड़ा सा समय लूंगा आपको एक थोड़ा सा व्याकरण का मुद्दा बताने के लिए। हालांकि आपको ऐसा लग सकता है कि ये टेक्निकल है, हमने क्यों सीखना चाहिए, लेकिन इससे श्लोक का अर्थ किस प्रकार से अच्छे से प्रकाशित होता है ये आपको समझ में आएगा, और ये बहुत आसान है, ये 7वीं 8वीं के बच्चे भी समझते हैं व्याकरण भाषा का। तो सबसे पहला होता है, एक है कर्ता, दूसरा है कर्म, और तीसरा है क्रियापद। किसी भी वाक्य में ये तीन चीजें आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये संस्कृत का वाक्य बहुत आसान है, राम फलम खादति। इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में, राम फल खाता है या खा रहा है। तो कर्ता मतलब वो होता है जो कुछ कर रहा है, तो यहाँ पे कौन कर रहा है ये ऐसा प्रश्न पूछे जाएंगे तो क्या जवाब मिलेगा, कौन कर रहा है, राम। तो कर्ता बन जाता है राम। किसके ऊपर कार्य कर रहा है वो होता है कर्म, तो क्या कर रहे हैं या क्या खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो ये है फल कर्म। और कौन सी क्रिया हो रही है वो दर्शाता है क्रियापद, तो खादति खाने की क्रिया है वो हो गया क्रियापद। तो क्या कर रहे हैं ये प्रश्न का जवाब मिलता है तो क्रियापद मिल जाता है खादति, क्या खा रहे हैं फल खा रहे हैं तो फल हो गया कर्म, और कौन खा रहा है ऐसा प्रश्न पूछा तो राम खा रहा है तो वो हो गया कर्ता। आप अंग्रेजी भाषा लीजिए, राम ईट्स फ्रूट, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब ये अंग्रेजी में भी आता है, राम फल खातो मराठी मध्ये, मराठी में यदि लिया जाए तो राम करता आएगा, फल वही है कर्म और क्रियापद खातो। तो इस प्रकार से, और संस्कृत में भी उसी प्रकार से इतना आसान है, राम फलम खादति, तो कर्ता हो गया राम, कर्म हो गया फलम, क्रियापद हो गया खादति। तो अभी आज के श्लोक में जो हम लोग 15वें अध्याय का 7वां श्लोक चर्चा कर रहे हैं यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रियापद, क्या क्रिया हो रही है, कर्षति। कर्षति का अर्थ क्या है, धातु है कर्ष, जैसे आकर्षण शब्द इसी कर्ष धातु से आता है, भगवान श्री कृष्ण का नाम भी ऐसे ही है, सर्व आकर्षति इति कृष्ण, तो वो है भगवान कृष्ण सर्व आकर्षक। तो कर्ष का अर्थ होता है खींचना, अपनी ओर खींचना, यह है कर्षति। किसको खींचा जा रहा है,
मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, तो मैंने कहा था मन का अर्थ है हमारा मन माइंड, और षष्ठानि इंद्रियाणि क्योंकि ये बहुवचन में है ये कर्म, इसलिए यहाँ पे फलम एक था तो फलम आ गया, बहुवचन में आ गया तो फलानी बन जाएगा फलानी, तो इसलिए है इंद्रियाणि मनः षष्ठानि। तो पांच इंद्रियां और उसके साथ एक मन जुड़ जाता है, बन जाते हैं छह, तो छह को संस्कृत में कहते हैं षष्ठ। तो षष्ठानि इंद्रियाणि इन छह इंद्रियों को मन के साथ खींचता है, कौन खींचता है, मम अंशः, जिसे जीव भूतः सनातनः भी कहा गया था। तो मम अंश मतलब भगवान का अंश कौन है, जीवात्मा। तो जीवात्मा इस संसार में मन सहित पांचों इंद्रियों को मतलब इन छह इंद्रियों को खींचता है, यह है इसका अर्थ इस श्लोक का। तो जो दूसरी पंक्ति है इस श्लोक की, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, तो प्रकृति स्थानि भी यहाँ पे इंद्रियाणि का विशेषण है तो यहीं पे जुड़ जाएगा। तो मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, और वो प्रकृति स्थानी का अर्थ भी हम लोग बाद में देखेंगे। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। रामः फलम खादति, क्रिया हो रही है, खादति ये क्रिया है, क्या खादति, फलम खादति, कौन, कह खादति, रामः खादति, किम खादति, फलम, रामः फलम किम करोति, खादति, तो ये हो गया क्रियापद। तो कर्ता, कर्म और क्रियापद, तो इस प्रकार से हर श्लोक में कर्ता, कर्म और क्रियापद होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कर्षति मतलब खींचता है, कौन खींचता है, मम अंशः, जीवात्मा खींचता है, यहाँ पे देखिए रामः, इसलिए यहाँ पे है अंशः, मम अंशः, मेरा अंश खींचता है, किसको खींचता है, मन और इंद्रियों को जो है वो खींचता है। तो थोड़ा सा इस खींचने की प्रक्रिया को थोड़ा समझ लेते हैं। श्रीमद् भागवत के पांचवे स्कंद के छठे अध्याय में चौथा श्लोक इस प्रकार से आता है, नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनुयेरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली। पुंश्चली का अर्थ होता है एक व्यभिचारिणी स्त्री, और पत्यु यानि पति। तो अभी हम लोग इसको एक चित्र से आपको दर्शाना चाहेंगे। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पति है यहाँ पर और उसकी पत्नी यहाँ पर दिखाई गई है। तो पति है पुरुष, पत्नी है प्रकृति, बराबर। कल हमने देखा था पुल्लिंगी स्त्रीलिंगी, यह है पुरुष इस संसार में और यह है प्रकृति। तो पति अपने पत्नी को अपनी ओर खींचता है, और ये पत्नी भी यहाँ पे किस प्रकार की पत्नी बताई गई है, पुंश्चली, जो इस भागवत के श्लोक में हमने देखा, इसका गुण है ये व्यभिचारिणी स्त्री है। व्यभिचारिणी स्त्री का अर्थ क्या होता है, व्यभिचारिणी स्त्री का अर्थ है कि ऐसी पत्नी जिसका किसी पर पुरुष के साथ संबंध जुड़ा हुआ है, वो केवल रह रही है अपने पति के साथ, लेकिन उसका उसका प्रेमी कोई और है, उसे कहते हैं व्यभिचारिणी स्त्री। और ऐसी स्त्री जिसका और किसी व्यक्ति के साथ कुछ संबंध नहीं है, केवल पति के साथ संबंध है और प्रेम करती है उससे, उसे कहते हैं पतिव्रता स्त्री। तो ये दो विरुद्धार्थी शब्द है, पतिव्रता और व्यभिचारिणी। तो यहाँ पर एक व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में चर्चा की जा रही है। तो पति तो वास्तव में पत्नी को अपनी ओर खींचता है भोग करने के लिए, लेकिन ये पत्नी जो कि व्यभिचारिणी है, उसके मन में किसी पर पुरुष के प्रति प्रेम है, तो वो छिप छिप के उस पर पुरुष के साथ मिलती है, संयोग करती है, और वो उससे मित्रता बनाए रखती है, और कभी कभी उनका संबंध इतना गाढ़ा हो जाता है कि वो उन अपने प्रेमी मित्र के साथ मिलके अपने पति का खून भी करवाती है, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। तो
आजकल के टीवी सीरियलों में बहुत इस प्रकार से आपने देखा होगा, तो वास्तव में श्रीमद् भागवत में इस प्रकार का उदाहरण दिया गया है। तो व्यभिचारिणी स्त्री है और प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या भी वो कर सकती है। तो अभी आज के श्लोक से हम संबंध जोड़ेंगे। पति का अर्थ है जीव, जीवात्मा, जो जिसे जिसे पुल्लिंग बताया गया है, और पत्नी है मन। जैसे पति पत्नी को खींचता है, उसी प्रकार से जीव मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जीव मन को खींचता है, लेकिन ये मन व्यभिचारिणी के समान है। क्यों? क्योंकि उसका संबंध काम क्रोध आदि से बना हुआ है। तो मन का संबंध काम क्रोध आदि से है, तो इनके साथ मैत्री बना के मन जीवात्मा को मारता है। जैसे हमने देखा, व्यभिचारिणी पत्नी किसी पर पुरुष के साथ प्रेम प्रकरण में मिलके अपने पति का खात्मा कर सकती है, उसी प्रकार से ये मन काम क्रोधादि के साथ मित्रता बना के इस जीवात्मा का खात्मा कर सकते हैं। अभी जीवात्मा का खात्मा मतलब क्या है? जीवात्मा का खात्मा मतलब प्रणश्यति, मतलब क्या है? उसका पतन कराते हैं निम्न योनियों में। तो इस प्रकार से ये जीव मन को खींचता है और इंद्रियों को खींचता है भोग करने के लिए, लेकिन उसी से उसका जो है वो पतन हो जाता है। बहुत सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज ने इसी उदाहरण को समझाया है। सातवें स्कंद के 9वें अध्याय के 40वें श्लोक में जब वो प्रार्थना कर रहे हैं नरसिंह देव को, प्रहलाद महाराज, तो वो ये प्रार्थना करते हैं, जीवै कतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्यतश्च फलदृक् क्वच कर्म शक्तिर्बह्व्यः सपत्न्य इव गेह पतिं लुनन्ति। तो बहुत सुंदर कह रहे हैं वो कि बह्व्यः सपत्न्यः, बहुत सारी पत्नियां हैं। अभी एक व्यक्ति, उसकी एक पत्नी है, तो उसमें भी खींचातानी हो रही है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि बह्व्यः सपत्न्यः गेह पतिं लुनन्ति, ऐसी बहुत सारी पत्नियां हैं जो उस पुरुष को खींच रही है अभी। तो अभी क्या है, कल हमने देखा था कौन किसको खींचता है। तो सर्वप्रथम ये जीवात्मा मन और इंद्रियों को अपनी ओर खींचता है, मतलब उनको भोग लेने के लिए प्रयोग करता है, और उसके बाद वो मन और इंद्रियां उसे खींचते हैं अलग अलग दिशा में। तो यहां पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ऐसा एक व्यक्ति है, गेह पतिन मतलब गृह का पति, उसकी बहुत सारी सपत्न्य, ये पत्नी बहुवचन शब्द है, बहुत सारी पत्नियां हैं उसकी, और वो क्या यहाँ पर बताते हैं, जीवै कतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता। जिह्वा जो है, हे अच्युत, हे भगवान, जिह्वा उस व्यक्ति की आकर्षित करती है, उसे एक दिशा में खींचती है। जिह्वा उसकी एक पत्नी है, वो एक दिशा में खींचती है लेकिन कभी तृप्त नहीं होती है। मा वितृप्ता, उसके जननेन्द्रिय शिष्णोन्यस्त्वक उदरम, उसकी त्वचा, उसका उदर, ये उसके श्रवणेन्द्रिया कुतश्चित कई और दिशा में खींचते हैं। घ्राणोन्यतश्च फलदृक् क्वच कर्म शक्ति, वो कर्म, वो शक्तिहीन बन जाता है। उसकी नासिका उसे अलग दिशा में खींच रही है, उसकी जिह्वा अलग दिशा में खींच रही है, उसकी त्वक इंद्रिया उसे अलग दिशा में खींच रही है। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि ऐसा यदि कोई व्यक्ति है और उसकी बहुत सारी पत्नियां हैं और वो सारी पत्नियां उसे अलग अलग दिशाओं में घूमने के लिए लेके जाना चाहती है, तो उस पति की क्या दशा होगी, कल्पना कीजिए। कल्पना भी करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो प्रहलाद महाराज यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा एक पति जिसकी भव्य पत्नियां, बहुत सारी पत्नियां हैं, यदि वो पत्नियां, और वो पत्नियों की तुलना किससे साथ की गई है, अलग अलग इंद्रियों के साथ। जिह्वा अलग दिशा में खींचती है, त्वक इंद्रियां अलग दिशा में खींचती हैं, आंखें अलग दिशा में खींचती है, तो ये खींचातानी चलती रहती है और बेचारे जीवात्मा की बहुत हालत खराब हो जाती है
इसलिए इस कर्षति शब्द का दूसरा भी अर्थ होता है परेशान होना, जिसका श्रील प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से भाषांतर किया है कि जीवात्मा इस संसार में परेशानी भुगतता रहता है और संघर्षमय जीवन जीता है। तो ये भी एक कर्षति शब्द का और एक प्रयोग है। तो इस प्रकार से जीवात्मा इस भौतिक संसार में दुख भोगता रहता है। तो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, उसमें कहा गया है कि जो पांच इंद्रियां हैं वो किस प्रकार से है, और पांच इंद्रियां एक व्यक्ति को इस प्रकार से संसार में खींचती है, तो उन जीवात्माओं का क्या हाल हो जाता है। पतंग मातंग कुरंग भृंग मीन हता पंच भिरेप्य पंच एकम प्रमाथी स कथम न हन्यते यह सेवते पंच भिरेभ्य पंच। सुनने के लिए बहुत मधुर लगता है ये श्लोक, लेकिन इस जगत की वास्तविकता या सत्य इसमें प्रस्तुत किया गया है। तो एक एक उदाहरण यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इस श्लोक में पांच उदाहरण दिए गए हैं, हितोपदेश का ये श्लोक है। तो इन पांच उदाहरणों में पांच अलग अलग पशु पक्षी इनका उदाहरण है, और अपनी एक एक इंद्रियों के कारण जो खींचे जा रहे हैं उसके कारण वो अपनी जान तक गंवा बैठते हैं, इसका यहाँ पे वर्णन आता है। तो सबसे पहला उदाहरण देते हैं पतंगा। तो यहाँ पे आपको दिखने में आ रहा होगा पतंगा यानी ये इस प्रकार का कीड़ा जो बिजली की ओर या रोशनी की ओर आकर्षित होता है। कल ही हम लोग जब प्रसाद पा रहे थे शाम का, तो उस समय हमें सब लाइट वगैरह बंद करके प्रसाद पाना पड़ा, क्योंकि इतने सारे कीड़े आ गए थे, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश समाप्त हो रही है, तो ये कीड़े बिजली की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पतंगा ये कीड़ा अग्नि की लौ की तरफ आकर्षित हो जाता है, और इतना आकर्षित हो जाता है कि अग्नि में ही वो कूद जाता है और बाद में हमें पता चलता है कि वहां पर कई सारे कीड़े मृत पड़े हुए हैं उस अग्नि के इर्द गिर्द। तो अपनी आंखों से वो आकर्षित हो रहा है इस अग्नि की लौ की तरफ, लेकिन अपनी जान गंवा बैठ रहा है। तो ये है पतंगा का उदाहरण। दूसरा उदाहरण दिया जाता है हिरण का कान के लिए। तो यहाँ पर ये हमारे पांच ज्ञानेंद्रियों के उदाहरण दिए गए हैं। तो हिरण को पकड़ पाना बहुत ही कठिन है इस संसार में, क्योंकि वो सबसे तेज भागने वाला प्राणी है जंगल का। तो यदि शिकारी को यदि हिरण को पकड़ना है तो वो क्या करते हैं पता है आपको? बहुत सुंदर बांसुरी की धुन बजाई जाती है और वो हिरण आकर्षित हो जाते हैं उनकी तरफ, और स्तब्ध होके एक जगह खड़ा होके वो सुनते हैं, और जैसा ही सुनते हैं ध्यानमग्न हो जाते हैं, वो शिकारी उनकी तरफ बाण छोड़ देता है और वहीं पे वो धाराशायी होके गिर जाते हैं। तो हिरण को अपनी जान गंवानी पड़ती है केवल कान के प्रति, या केवल कान उसे खींच रहे कहीं पे इंद्रिय भोग करने के लिए, वहां पर वो अपनी जान गंवा बैठता है। तीसरा उदाहरण यहाँ पर है भौरे का। भौरा आपने देखा होगा वो अच्छी अच्छी सुगंध लेना चाहता है और कई सारे फूलों में वो बैठता है और वो पराग कण एकत्रित करता है और उनका सुगंध लेना चाहता है। तो यहाँ पर कमल में एक भौरा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है इस चित्र में। तो कमल की विशेषता है कि कमल सुबह खिलता है और शाम को सिकुड़ जाता है, बंद हो जाता है। तो ये भौरा दिन के समय में वहां पर गया, नासिका से सुगंध ले रहा है, आकर्षित हो गया है, शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है, कमल बंद हो जाता है और ये भौरा उसी कमल में बंद हो जाता है, और उसे पता भी नहीं चलता कि ये कमल अभी बंद हो गया है। उसे सांस लेने के लिए प्राणवायु नहीं मिलती, और सुबह जब कमल पुनः खिल जाता है, सूर्योदय होता है, तब ये भौरा पाया जाता है कि इसने अपनी जान गंवा दी है, क्योंकि उसे प्राणवायु नहीं मिली। यही भौरा
दारु भेद निपनोपी, उसमें क्षमता है कि लकड़ी में भी वो छेद कर सकता है, लेकिन वो इतनी कोमल कमल की पंखुड़ी को भी भेद नहीं कर पाया, इतना वो आसक्त था उस कमल के पराकण को चखने में और उसका सुगंध लेने में। तो अपनी जान गंवा बैठता है भोरा, केवल अपने जो उसकी नाक खींची जा रही थी सुगंध की ओर, उसके कारण। अगला उदाहरण दिया जाता है जिह्वा के लिए, मीन मछली। तो मछली, हम छोटे बच्चे गीत गाते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो उसका जीवन वास्तव में पानी होता है, पानी में भगवान ने उसके खाने पीने की सारी सुविधाएं कर रखी है। लेकिन एक दिन अचानक कोई जो मछुआरा है वो कुछ जाल बिछा कर, या इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक ब्रेड का टुकड़ा लगाकर हुक के साथ वो उसने डाल के रखा है, और मछली जो कि सब कुछ उसे खाने के लिए है, लेकिन वो जिह्वा के कारण उसका आकर्षण हो जाता है और जिह्वा उसे खींचती है उसकी तरफ, और जैसे ही वो खाने का प्रयास करती है मछली, वो हुक उसके मुख में अटक जाता है और मछुआरा खींच लेता है और मछली अपनी जान गंवा बैठती है। तो केवल अपने जिह्वा के आकर्षण के लिए मछली अपने प्राण यहाँ पर गंवा बैठ रही है। और पांचवा उदाहरण दिया जाता है हाथी का स्पर्शेंद्रिय के लिए। तो ऐसा बताया जाता है कि हाथी को भी पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो वो लोग हैं जो हाथी को पकड़ना चाहते हैं जंगल में, वो एक मादा हाथी रूपी ऐसा एक नकली हाथीनी बनाते हैं और उसे रख देते हैं एक जगह पर। और जो हाथी है पुरुष जाति का, वो उसकी तरफ आकर्षित होता है और उसे स्पर्श करना चाहता है। लेकिन इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया रहता है इन लोगों ने, कि नीचे एक गड्ढा बनाया रहता है और उसके ऊपर उसमें जाली बिछाई रहती है और उसके ऊपर हरा घास लगाया रहता है, और उस हरे घास के ऊपर से जब ये भागता है हाथी उस हाथीनी का स्पर्श पाने के लिए, तो उसमें गिर जाता है और फिर उस जाले को उठा के वो बड़े ट्रक में वो लोग लेके जाते हैं। और सर्कस में ऐसे बड़े बड़े हाथी पाए जाते हैं, और इन हाथियों में कितनी शक्ति होती है पता है आपको, वो पेड़ को उठाकर फेंक सकते हैं। और जिस गाड़ी में जो शिकारी और सर्कस के लोग पकड़ने के लिए आए, उस गाड़ी के साथ उन लोगों को फेंकने की शक्ति रखता है, लेकिन गुलाम हो गया है स्पर्शेंद्रिया का, और वहां पर जाके फिर उसे भूखा रखा जाता है, कुछ खाने को नहीं देते, इस प्रकार से करो तो ही हम तुम्हें खाना देंगे। और इस प्रकार से वो एक स्टूल के ऊपर चार पैर रख कर भी वो खड़ा होते और कसरत दिखाते सर्कस में। तो इस प्रकार से हमने पांच उदाहरण देखे कि किस प्रकार से पतंगा अपनी आंखों के आकर्षण को पूर्ण करने के लिए जाता है और अपनी जान गंवा बैठता है, हिरण अपने कानों की वजह से जान गंवा बैठता है, भोरा नाक को संतुष्ट करने के लिए अपनी जान गंवा बैठता है, मछली जिह्वा को लेकर अपनी जान गंवा बैठती है, और हाथी अपने स्पर्श इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जाता है और अपनी जान गंवा बैठता है। तो ये पांच उदाहरण दिए हैं इस श्लोक में। पतंग मातंग कुरंग भृंग मीन हता पंच भीरेव्य पंच, तो ये पांच उदाहरण थे। लेकिन इसमें और इस श्लोक में आगे कहा है कि एक ऐसा प्राणी है जिसमें ये पांचों के पांचों इंद्रियां खींचती है। एकम प्रमाथि स कथम निहन्यते यह सेवते पंच भीरेव्य पंच, तो पांचों इंद्रियां उस व्यक्ति को खींचेंगी, उस प्राणी को खींचेंगी, तो उसका क्या हाल बन जाएगा। और वो पांचवा प्राणी कौन है पता है आप लोगों को? तो वो पांचवा प्राणी है हम सब मनुष्य जीवात्माएं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि मानो एक रथ के पांच घोड़े हैं, और पांच घोड़े यदि पांच अलग अलग दिशा में जाते हैं तो उस पथी का क्या होगा। वो तो बेचारा इस प्रकार से यहाँ पे जो है वो हालत दिखाई गई है वैसी हालत होगी। तो उसी प्रकार से जीवात्मा कर्षति,
क्या करता है, यहाँ पर संघर्ष करता है और कष्टमय जीवन यापन करता है। क्यों? क्योंकि उसने मन और इंद्रियों को अपनी ओर खींचा हुआ है भोग करने के लिए, और भोग करने के लिए अपने और खींचता है और भोग करने का प्रयास करता है, लेकिन कष्ट ही पाता है क्योंकि अभी वही इंद्रियां और वही मन उसे अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं। तो वास्तव में मनुष्य को लगता है कि इनको मैं संतुष्ट करूंगा तो मैं सुखी बन जाऊंगा, आंखों को जो देखना है वो दिखाऊंगा तो खुशी हो जाऊंगा, कानों को जो सुनना है वो सुनाऊंगा, स्पर्श इंद्रियों को जो स्पर्श करना है वो कराऊंगा, जिह्वा को जो खाना है वो खिलाऊंगा, और आंखों को जो देखना है वो दिखाऊंगा तो मैं संतुष्ट बन जाऊंगा। लेकिन यही एक जीवात्मा यहाँ पर गलती कर बैठता है कि न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति। हमने देखा था कि कामनाओं की पूर्ति कामनाओं की संतुष्टि से नहीं की जाती। तो यह जीवात्मा नहीं समझ रहा है और इसी प्रकार से भगवान से अलग होकर यहाँ पर इस संसार में भोग में लगा हुआ है, लेकिन वो यहाँ पर सुख ढूंढने का अर्थ क्या है कि सही वस्तु की खोज गलत जगह पर और गलत तरीके से करना। तो एक बार जिस प्रकार से इस तस्वीर में दिखाया गया है, एक व्यक्ति अपनी कुछ ढूंढ रहा था तो दूसरा एक व्यक्ति वहां पर आता है और पूछता है, भाई साहब क्या ढूंढ रहे हैं आप, क्या खो गया है? तो वो कहते हैं कि मेरी चाबी खो गई है गाड़ी की। तो वो पूछते हैं कि कहां पर खोई है, आपको कुछ अंदाजा है? वो कहते हैं कि जी हाँ, वो जो बिल्डिंग है उसके पीछे मैं गया था और वहीं पे खो गई है। अच्छा, तो लेकिन आप यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हैं, चाबी तो उस दिशा वहां पर खोई थी, आप यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हैं? तो वो व्यक्ति कहता है कि क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा उजाला है इसलिए मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। तो हम क्या कहेंगे उस व्यक्ति को? पागल व्यक्ति है, खोई है कहीं और बिल्डिंग के पीछे, लेकिन ढूंढ रहा है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर प्रकाश है और जहां खोई है वहां पर अंधेरा था। तो अंधेरे में, तो वास्तव में चाबी जहां पर खोई है वहीं पर जाके ढूंढनी होगी। तो उस प्रकार से ये जीव भगवान का अंश है, तो जब भगवान की सेवा में लग जाएगा, वहां पर वहां से हम लोग विमुख हो गए भगवान से, तब जाके सुख प्राप्त करेगा और वो वस्तु मिलेगी सुख शांति नाम की। लेकिन हम लोग खोए कहाँ पर है, भगवान के धाम को खोए हैं और अभी इस संसार में आए हुए हैं और यहाँ पर ढूंढ रहे सुख कहाँ मिलेगा, और अलग अलग प्रकार से ढूंढने का प्रयास करते हैं। चलो ये नया होटल खुला है वहां पे जाके खाएंगे तो सुख मिलेगा, ये नई मूवी आई है चलो देख लेते हैं आंखों को संतुष्ट करेंगे। तो इस प्रकार से पांचों इंद्रियां हमें अलग अलग दिशाओं में खींचती है, लेकिन जब सुख प्राप्त नहीं होता है तब वो परेशान हो जाता है, और वो परेशानी का भी एक नाम है कर्षति। तो इसलिए जो मैं पहले भी कहा था कि मम एव अंश का एक एक्सप्लेनेशन बाकी है और वो मन षष्ठानि इंद्रियाणि से समझ में आएगा। तो जीवात्मा के लिए भगवान ने कहा था मम एव अंश, ये मेरा अंश है, ये कहा था भगवान ने जीवात्मा के लिए मम एव अंश। और मन षष्ठानि इंद्रियाणि के लिए क्या कहा था, यह प्रकृति स्थानी। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि जीवात्मा भगवान का अंश होने के कारण भगवान से संबंध रखता है, और ये मन और इंद्रियां जो है वो प्रकृति स्थानी, यानी वो प्रकृति के अंश है क्योंकि वो प्रकृति के स्थान प्रकृति के साथ संबंध रखते हैं। तो मन और इंद्रियां ये प्रकृति का स्थान प्रकृति के अंश है और जीवात्मा भगवान का अंश है, तो इसलिए जीवात्मा को भगवान के साथ जोड़ देना चाहिए क्योंकि आखिर में ये इंद्रियां और ये शरीर प्रकृति में ही तो चले जाने वाला है। तो इसलिए हमारा काम है कि ये जीवात्मा क्या गलती करता है, प्रकृति स्थानी मन षष्ठानी इंद्रियों को खींचता है और जीव भूत जीव बन जाता है और ईश्वर भगवान अगले श्लोक में हम लोग देखेंगे कि ये जीव ईश्वर बनना चाहता है, भोक्ता बनना चाहता है,
वास्तव में भोक्ता कौन है? एकमात्र भोक्ता है भगवान। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ज्ञात्वा माम, ये जीवात्मा मम अंश है, तू मेरा है इसलिए मुझे जानो। ज्ञात्वा माम, मुझे जानने के तो क्या होगा, शांति मृच्छति, शांति और सुख प्राप्त कर सकेगा। और मेरा स्वरूप क्या है, भोक्तारम, मैं भोक्ता हूँ, परम भोक्ता हूँ, मेरी सेवा में सारे इंद्रियों को लगाओ, न कि स्वयं की सेवा में, अपनी सेवा में मत लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ। क्योंकि ये इंद्रियां, तो जीवात्मा क्या गलती करता है, प्रकृति स्थानीय इंद्रियों ने उनको खींचता है, स्वयं भोक्ता बनने का प्रयास करता है, जिनका वो अंश है उनसे विमुख होकर। तो वास्तव में ये सारे प्रकृति, ये सारे इंद्रियां, मन, जीवात्मा को वास्तव में किसके लिए दिए गए हैं? इसके लिए दिए गए हैं कि उनका प्रयोग करके वो अपनी जो स्वतंत्रता है उसका सदुपयोग करके भगवान की सेवा में लगाए। जैसा हमने कल देखा था, अंशी का कार्य होता है, अंश का कार्य होता है अंशी की सेवा करना, अंश का कार्य है पूर्ण की सेवा करना। जैसे उंगली का कार्य है पेट में ही सब अन्न पदार्थ डालना, उनकी सेवा करना, उसी प्रकार से जीवात्मा का कर्तव्य है उन भगवान की सेवा में लगना। क्योंकि जब तक सेवा रूपी धर्म का पालन नहीं किया जाता तब तक जीव असंतुष्ट रहेगा। जिस प्रकार से हम भगवान के धाम से खींच के लाए गए इस भौतिक संसार में अभी हम लोग है, उदाहरण के तौर पे यदि देखें तो मछली को यदि जल से बाहर निकाल के आप कितनी भी बड़ी बड़ी वस्तुएं क्यों ना दो, मछली को आप फोन दे दो, आईफोन दो, मछली को आप बड़ा बंगला दो रहने के लिए, मछली को आप पीने के लिए अच्छे अच्छे पदार्थ दो, देखने के लिए बहुत कुछ दो, तो भी मछली संतुष्ट नहीं रहेगी। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो उसे संतुष्ट रहना है, आनंदी रहना है मछली को, तो उसे वापस कहाँ जाना होगा, उसे वापस जल में जाना होगा, तब जाके वो संतुष्ट हो सकती है। उसी प्रकार से जीवात्मा भगवान का अंश है, तो जब वो भगवान की सेवा में लगेगा तब जाके वो संतुष्टि और आनंद अनुभव करेगा। और जब तक वो ऐसा नहीं करता है तब तक वो इस संसार में दुख ही भोगता रहेगा। और कब तक ये दुख भोगता रहेगा, अनंत काल तक दुख भोगता रहेगा, जब तक वो भगवान की ओर उन्मुख नहीं होता है। इसलिए मुकुंदमाला स्तोत्र में राजा कुलशेखर अपने सारे इंद्रियों को, जैसा प्रहलाद महाराज ने कहा था, ये सारे इंद्रियां पत्नियों के समान जो अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं, उसी प्रकार से राजा कुलशेखर मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं कि इन सारे इंद्रियों आप एक कार्य करो। क्या कार्य करो, वो इस श्लोक में कहते हैं मुकुंदमाला स्तोत्र में, जिव्वे कीर्तय केशव मुररिपुं चेतो भज श्रीधरम पाणि द्वंद्व समर्चयाच्युत कथा श्रोत्रद्वयं त्वं श्रुणु कृष्णं लोकय लोचन द्वयं हरेर गच्छांग्रि युग्मालयम् जिग्रघ्राण मुकुंद पाद तुलसीं मूर्धन्य माधोक्षजम्। शार्दुल विक्रीडित छंद का यह श्लोक बहुत सुंदर प्रकार से वो कहते हैं। क्या कहते हैं, वो अपने अलग अलग इंद्रियों को आदेश दे रहे हैं। जिव्वे कीर्तय केशव मुररिपुं, हे जिह्वा, तू जो मुरा रूपी असुर का जो शत्रु है केशव, उनके कीर्तन में लग जा। चेतो भज श्रीधरम, हे मेरे चित्त, हे मेरे मन, श्रीधर भगवान का भजन करो। पाणी द्वंद्व समर्चय, पाणी का अर्थ होता है हाथ, पाणी ग्रहण, पाणी द्वंद्व मतलब दोनों हाथों को भगवान की अर्चना, सेवा में, पूजा में लगाओ। अच्युत कथा श्रोत्रद्वयम् त्वं श्रुणु, हे श्रोत्रद्वयम्, हे दोनों कानों, त्वं श्रुणु, सुनो। क्या सुनो, अच्युत कथा, भगवान अच्युत की कथा को सुनो।
कृष्णम लोकय लोचन द्वयम हरे। कृष्ण लोकय मतलब देखो, हे लोचन द्वयम, राम का एक नाम है ना राजीव लोचनम, लोचनम लोचन करते हैं आंखें, दोनों आंखें से लोकय देखो, किसको देखो, कृष्णम कृष्ण के देखो, और गच्छंग्री युग्मालयम, हे दोनों पैर भगवान का आलय, भगवान का मंदिर की तरफ तुम जाओ, वहां पर चले जाओ। जिग्र घ्राण मुकुंद पाद तुलसी, जिग्र घ्राण हे नासिका तुम सुंगो, क्या सुंगो, मुकुंद पाद तुलसी, भगवान के चरणों में अर्पित की हुई तुलसी का तुम सुगंध सुंगो। मूर्धन्य माधोक्षजम, और हे सिर तुम भगवान अधोक्षज को दंडवत प्रणाम करो। तो अपने अलग अलग इंद्रियों को वो कार्य दे रहे करने के लिए, क्योंकि इंद्रियों के कार्य को हम लोग विनाश तो नहीं कर सकते, तो अलग अलग दिशा में यहाँ यहाँ तो जाएंगे ही, तो उन्हें कहाँ लगाना है, तो यहाँ पर लगाना है, जिस प्रकार से अम्बरीश महाराज ने लगाया था। सवई मन कृष्ण पदारविंद योर वचाम शिव कुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। सारी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया था। इस प्रकार से हमारे मराठी महाराष्ट्रियन संत संत तुकाराम भी इस प्रकार से अपने इंद्रियों को आदेश देते हुए कहते हैं, घी घी माजे वाचे गोड नाव विठो बाचे, तुम्मी घ्यारे डोले सुख पहा विठो बाचे मुख। बहुत सुंदर वो कहते हैं कि घी घी माजे वाचे गोड नाव विठो बाचे, मेरी मेरी वाचा मेरी जिह्वा भगवान विठ्ठल उनका नाम लो, और तुम्मी घ्यारे डोले सुख पहा विठो बाचे मुख, मेरी आंखों आप भी आनंद लो, किसका, ये भगवान विठ्ठल जो कि कृष्ण से अभिन्न है उनका दर्शन लो। और वही यहाँ पर कुलशेखर महाराज कह रहे, कृष्णम लोकय लोचन द्वयम, और जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुं चेतो भज श्रीधरम। वही इस श्लोक में मुकुंदमाला के राजा कुलशेखर भी अपनी इंद्रियों को कह रहे हैं कि आप भी एक चीज करो। तो इसका अर्थ क्या है कि मछली को पानी में पुनः छोड़ रहे हैं हम लोग और उसे संतुष्ट बना रहे हैं। तो इसी प्रकार से जीवन यापन करते हुए भी यदि कोई व्यक्ति अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है, और जो उसे स्वतंत्रता मिली है, कल हमने देखा था उसे स्वतंत्रता मिली है, उसका सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकता है, तो अपने स्वयं के भोग के लिए इस प्रकृति का उपयोग करना वो इंद्रिय भोग कहलाता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से इन्हीं इंद्रियों का प्रयोग करके अपने मोक्ष के द्वार को खोल सकता है, तो इसलिए कहा जाता है जो मन है, मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयोः, यही मन एक बद्ध जीव के बंधन का कारण बनता है, और वही मन एक बद्ध जीव के मोक्ष का भी कारण बन सकता है। तो ये हमारे हाथ में है, ये स्वतंत्रता भगवान ने जीव को दी है, तो जीव यदि इसका चयन करे अच्छे से और भगवान की सेवा करे तो उसका बंधन खुल सकता है और वो भगवान के धाम में पुनः लौट सकता है। तो सारांश में हमने जो सातवां श्लोक इसके दो सत्रों में चर्चा की, भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा ये मेरा ही अंश है और किसी का अंश नहीं है, प्रकृति का अंश तो बिल्कुल नहीं है, केवल भगवान का ही अंश है। जीव भूत, ये जीव भी बना हुआ है जीवलोके इस भौतिक संसार में, हालांकि ये सनातन रूप से मेरा ही अंश था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, लेकिन ये भूल गया है। क्यों भूल गया है, क्योंकि मन षष्ठानी इंद्रियाणी, छह इंद्रियों के साथ जिसमें मन सम्मिलित है, उसे जो प्रकृति के स्थित है, प्रकृति में स्थित है, प्रकृति के अंश है, उन्हें खींचता है और भोग करने का प्रयास करता है, और वही स्वयं खींचा जाता है और मुझसे दूर चला जाता है, और ये दूर जाके क्या करता है और कैसे जीवन यापन करता है, इसकी चर्चा हम हमारे कल के सत्र में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। मैं चैट भी अनुमति देता हूं, किसी को यदि प्रश्न लिखना है तो वो चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। राठौर जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम। आपका आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। रितेश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा एक प्रश्न ऐसा है, कल के जो क्या जीव अगर वह कांतिलाल जी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ रितेश जी बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि आपकी जो ये क्लासेस हैं सारी, क्या इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या ये हमें अवेलेबल हो सकता है? जी हाँ, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। और आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं पुरुषोत्तम योग के? I think मैं नहीं हूँ इसमें ज्वाइन किया हुआ। अच्छा, बट माय वाइफ हैज पार्टनिंग इसमें है ग्रुप में, तो उन्होंने ऐड किया है ना, तो उनको उस ग्रुप में हाँ जी हर रोज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और दूसरे दिन उसका रिकॉर्डिंग अपलोड होता है यूट्यूब पे और वो भेजा जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत भक्त हैं उनके लिए ये समय मतलब शाम को पॉसिबल नहीं होता है, तो वो दूसरे दिन तीसरे दिन सुन लेते हैं, तो वो हम लोग रिकॉर्डिंग भेजते हैं, उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद। देवनानी माता जी, आपको अनम्यूट किया मैंने। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, अचंता बेदा बेद आपने कल मेंशन किया था ना, वो एक बार आप प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा ब्रीफली। अचिंत्य बेदा बेद, देखो जीव को भगवान का अंश कहा जाता है, वो सनातन शब्द में हमने उसकी चर्चा की थी। अचिंत्य बेदा बेद का अर्थ यह है कि जो लोग कहते हैं, देखो पहले तीन तत्व है, एक है द्वैतवाद, दूसरा है अद्वैतवाद और तीसरा है अचिंत्य भेदा भेद। तो द्वैतवाद क्या है कि जीव और भगवान दोनों सदैव अलग रहते हैं, यह है द्वैतवाद। अद्वैतवाद क्या कहता है कि जीव भगवान बन सकता है या जीव मर्ज हो सकता है, वो है अद्वैतवाद। दोनों एक ही है, तत्त्वम असि। और अचिंत्य भेदा भेद का अर्थ है कि दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ एक भी है और भिन्न भी है। और इसके लिए उदाहरण दिया जाता है, श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं हमें, जैसे समुद्र की बूंद और समुद्र। तो जो अद्वैतवादी क्या कहते हैं कि समुद्र की बूंद जब समुद्र में मिल जाती है तो समंदर बन जाती है, यह अद्वैतवाद। द्वैतवाद यह कहता है कि समुद्र की बूंद और समंदर हमेशा अलग अलग है, क्योंकि बूंद छोटी सी है और समंदर बहुत विशाल है। तो अचिंत्य भेदा, पहले भेद समझते, भेद मतलब क्या, दोनों अलग है, और अभेद मतलब दोनों एक है। तो भेद हो गया दोनों अलग, अभेद मतलब दोनों हो गया एक। तो भेदाभेद मतलब एक भी है और भिन्न भी है, इसलिए भेदाभेद। समझने के लिए कठिन है इसलिए अचिंत्य लगा दिया है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो समंदर की बूंद जो है वह गुणात्मक दृष्टिकोण से एक ही है, वो खारी है, जल जल समुद्र का जल खारा होता है, तो बूंद भी उसकी भी टेस्ट वो भी खारा लगेगा। समुद्र का पूरा ग्लास भर के पानी लो तो भी खारा लगेगा, समुद्र में डुबकी लगाओ तो भी खारा लगेगा। तो गुणात्मक दृष्टिकोण से एक है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टिकोण से
भिन्न है, तो अभेद है गुण में और भेद है मात्रा में। तो इसी प्रकार से जीव और भगवान का संबंध है, जीव भगवान का ही अंश है, उसका भी स्वरूप सच्चिदानंद है, भगवान का भी स्वरूप सच्चिदानंद है, और जीव भगवान का अंश है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और दोनों अलग इस प्रकार से है कि भगवान विभू है और जीव अणु है, जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकता, इसलिए अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहा जाता है। ठीक है, ये पढ़ने का ये डिटेल्स कहाँ मिलेगा? मतलब ये मुझे पता है, एक तो ये है कि चैतन्य चैतन्यमृत के चैप्टर फर्स्ट में आई थिंक 56 उसमें है, आदि लीला में है आई थिंक, थोड़ा बहुत इसका वर्णन लॉर्ड चैतन्य किताब में श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर उदाहरण के साथ समझाया है, और भगवद गीता में भी नत्वे वाहम जातुनासम उस श्लोक दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, उसमें भी तात्पर्य में थोड़ा सा वर्णन आता है, दूसरे अध्याय में कई जगह पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। ठीक है, ओके जी प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा। बंधुला बंधुला वंदना, हरे कृष्णा प्रभु जी, वंदना भंडूला। हाँ हरे कृष्णा वंदना माता जी। प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास लिया आपने, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं सुनते हैं कि जो जीव तत्व है वो दो तरह का है, एक तो नित्य मुक्त और एक नित्य बद्ध, ऐसा ऐसा सुनते हैं ना कि एक तो नित्य मुक्त होते हैं और इटर्नली लिबरेटेड, और एक होते हैं जो नित्य बद्ध होते हैं जिसमें हम लोग आते हैं शायद। तो अगर नित्य बद्ध हैं हम लोग, नित्य बद्ध मीन्स इटर्नली बॉन्डेड, तो अगर हम लोग हमेशा नित्य बद्ध हैं तो फिर हम लोग ये कैसे बात करते हैं इसकी गोइंग बैक टू गॉड हेड और ये सब, ये कैसे में थोड़ा नहीं आ रहा है। अच्छा, तो जीवात्मा की दो कैटेगरीज बताई गई है, एक है नित्य बद्ध जो भगवान के अंश होते हैं, एक है नित्य बद्ध, दूसरा है नित्य सिद्ध जिन्हें कहा जाता है। नित्य सिद्ध का अर्थ है कि जो भगवान के पार्षद, जो भगवान के साथ ही उनके धाम में रहते हैं, वो कभी संसार में वापस उनका पतन नहीं होता। जैसे भगवान के पार्षद उनके सखा, उनके जैसे यशोदा माई, अन्य अन्य गोपियां, तो ये भगवान के नित्य पार्षद है। तो एक है पार्षद, उन्हें पार्षद कहा जाता है, तो वो है भगवान के पार्षद, और हम लोग जो है वो बद्ध कैटेगरी में है। तो नित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत काल से, बहुत समय से हम लोग यहाँ पर इस संसार में हैं, हालांकि स्वतंत्र है जाने के लिए भगवान के धाम में, लेकिन फिर भी हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए हुए है, इसलिए उन्हें बद्ध कहा जाता है। तो हम लोग अभी जो बनने वाले हैं वो हम लोग नित्य सिद्ध नहीं बनेंगे, हम लोग बनेंगे साधना सिद्ध। तो एक है नित्य सिद्ध जो भगवान के पार्षद है, दूसरे है नित्य बद्ध जो हमेशा बद्ध अवस्था में रहते हैं, और बीच में होता है साधना सिद्ध। तो हम भगवान के जो जिह्वा कीर्तय हमने जो श्लोक देखा, तो हमारी सारी इंद्रियों के द्वारा जो साधना करते हैं उससे जो हमें सिद्धि प्राप्त होती है, हम लोग भी भगवान के धाम में जाएंगे, और भगवान का धाम का विशेष है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम, तो हम लोग भी वहां से नीचे नहीं आएंगे। तो हम लोग नित्य सिद्ध तो नहीं बनेंगे उस प्रकार से जैसे यशोदा माई है और नंद महाराज है, उनके तो फिक्स पद होता है, लेकिन हम उनके सेवकों के सेवक बन सकते हैं, जिस प्रकार के रस की उत्पत्ति हम लोग करते हैं, शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य, ये पांच रस होते हैं, तो रसोत्पत्ति जो होती है उस प्रकार से हमारे स्वरूप सिद्धि होती है, और हम लोग जो बनेंगे वो साधना सिद्ध रहेंगे, और अपने उस रस में भगवान की हम लोग सेवा करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। आर्यन करके कोई प्रश्न पूछ रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत की क्लास ऑनलाइन यूट्यूब पे, फेसबुक पे वीडियो रिकॉर्डिंग
कैसे ले सकते हैं। तो आपके लिए मैं तो आर्यन जी मैंने चैट बॉक्स में लिंक डाल दी है, उसमें सारे चैतन्य चरितामृत के क्लासेस 43 सेशन में हमने पूरा सीसी लिया था लॉकडाउन के दरमियान, उसका लिंक मैंने यहाँ पे भेज दिया है, आप उसे कॉपी करके रख सकते हैं। हाँ ठीक है, जिसने भी प्रश्न पूछा था मैंने चैट बॉक्स में वो लिंक पेस्ट कर दी है, और जिस किस को वो पुरुषोत्तम ग्रुप ज्वाइन करना है, हमारे अमित कोले उन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है चैट बॉक्स में, उस नंबर को आप व्हाट्सएप कीजिए कि आपको उस ग्रुप में ऐड होना है, तो आपको हर रोज हम लोग हमारा जो क्लास होता है उसके क्लास के सारे जो प्रेजेंटेशन के नोट्स है वो भी भेजते हैं, यूट्यूब में होने वाले रिकॉर्डिंग्स वो भी उसमें भेजते हैं, और जूम की लिंक जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और दूसरों को इनवाइट भी कर सकते हैं वो भी लिंक उसमें हम लोग भेजते हैं। तो आप सब हमारे साथ अलग अलग प्रकार से जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम विदा लेना चाहेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।